ओम श्री गणेशाय नमः। जय माता दी। स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल चमकती किस्मत में। वेद पंडित आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों हम हर रोज अपने चैनल पे आपको कुछ ऐसी जानकारियां बताते हैं जिन्हें अपने जीवन में अपनाने से आपको आपके कार्यों में सफलता मिलती है। जी हाँ दोस्तों, हम हर रोज माँ गर्जिया देवी जी से आपके और आपके परिवार की कुशलता और सफलता के लिए प्रार्थना करते हैं और उम्मीद करते हैं आप लोग अपने परिवार के साथ एक अच्छा जीवन यापन कर पाएंगे। दोस्तों रविवार के दिन आज हम आपको एक ऐसी जानकारी बताने जा रहे हैं कि यदि आपने रविवार के दिन ये तीन कार्य कर लिए तो विश्वास मानिए आपकी जितनी भी समस्याएं चल रही थी आर्थिक रूप से वह सब देखते ही देखते समाप्त हो जाएंगी और आपके नए नए आय के स्रोत बनेंगे, नए नए रास्तों से धन आपके पास आएगा और जीवन में फिर कभी आपको धन की तरफ से कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों लेकिन जिससे पहले हम आगे बढ़े, हम आपसे कहना चाहेंगे यदि आप पहली बार हमारे चैनल चमकती किस्मत पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें जिससे कि जिन लोगों को भी इस जानकारी की आवश्यकता है वह भी इसका पूर्ण लाभ उठा सके। अब हम अपने विषय पर पुनः वापस आते हैं। दोस्तों सबसे पहला काम जो आपको करना है रविवार के दिन, आपको सुबह उठ के जल्दी मतलब 6 से 7 बजे के बीच, आप चाहें तो और भी जल्दी कर सकते हैं, नहा धो के पवित्र होके स्वच्छ कपड़े पहन के घर के निकट जो भी भगवान शिव का मंदिर है वहां जाकर शिवलिंग पे जल अर्पित करना है। इसके साथ ही पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जितना अधिक संख्या में हो सके जप करें। ऐसा करने से सूर्य सहित समस्त ग्रह आपके अनुकूल हो जाते हैं और यदि आप प्रशासनिक रूप से या किसी ऐसे चीज़ से परेशान चल रहे हैं तो वह भी आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं और धन के भी नए नए रास्ते खुलते हैं। इसी के साथ दूसरी चीज़ गायत्री मंत्र से जुड़ी हुई है। गायत्री मंत्र को बहुत शुभ और बहुत शक्तिशाली माना जाता है। ऐसे में रोजाना सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाते वक्त आपको सूर्य गायत्री मंत्र ओम भास्कराय विद्याय दिवकाराय धीमहि तनो सूर्य प्रचोदया की एक माला यानी कि 108 बार जप करने से आपकी जो भी इच्छाएं हैं वह सब पूर्ण हो जाएंगी। आप ऐसा हर दिन करें तो आपकी जो भी इच्छा है आपकी करने के बाद सूर्य देव माँ गायत्री से इच्छा मनी मन में मांगें, कुछ ही समय में आपकी इच्छा वो पूर्ण हो जाएगी। तीसरा है यदि आप प्रशासनिक सेवाओं में जाना चाहते हैं या आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें आपको प्रसिद्धि की जरूरत है तो दोस्तों आप सूर्य भगवान को प्रसन्न करना होगा और इसके लिए आपको रविवार के दिन अपनी जेब में केसरिया रंग का रुमाल रखना पड़ेगा। इसके साथ ही यदि आप केसरिया रंग के रुमाल को रोजाना प्रयोग में लाएं, रोजाना अपनी जेब में रख सकें तो ये आपके लिए उतना ही बेहतर होगा। ऐसा करने से बंद भाग्य भी जग जाता है, सोई किस्मत भी चमकने लगती है। दोस्तों जी हाँ, उम्मीद करते हैं कि आपको ये तीन उपाय अच्छे लगे होंगे। आप इनमें से कोई सा भी उपाय या तीनों ही चाहे तो कर सकते हैं, कुछ ही समय के भीतर आपको इन तीनों चमत्कारी उपाय के लाभ देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। दोस्तों अब हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय माता दी, धन्यवाद।